आप देख रहे हैं टीएनबी। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा किया है। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की गई। कर्पूरी ठाकुर की सवी जयंती पर पीएम मोदी ने एक लेख भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सादगी से जुड़ी दो कहानियां सुनाई हैं। पीएम मोदी ने लिखा, हमारे जीवन पर कई लोगों के व्यक्तित्व का प्रभाव रहता है। जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम जिनके संपर्क में रहते हैं, उनकी बातों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं। मेरे लिए ऐसे ही रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। आज कर्पूरी बाबू की 100वीं जन्म जयंती है। मुझे कर्पूरी जी से कभी मिलने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनके साथ बेहद करीब से काम करने वाले कैलाशपति मिश्र जी से मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। पीएम मोदी ने आगे लिखा, सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए, उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनका संबंध नाई समाज यानी कि समाज के अति पिछड़े वर्ग से था। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियों को हासिल किया और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। वे अपनी अंतिम सांस तक सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव के चलते आम लोगों से गहराई से जुड़े रहे। उनसे जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो उनकी सादगी की मिसाल है। पीएम मोदी ने आगे लिखा, उनके साथ काम करने वाले लोग याद करते हैं कि कैसे वे इस बात पर जोर देते थे कि उनके किसी भी व्यक्तिगत कार्य में सरकार का एक भी पैसा इस्तेमाल ना हो। ऐसा एक वाक्य बिहार में उनके सीएम रहने के दौरान हुआ। तब राज्य के नेताओं के लिए एक कॉलोनी बनाने का निर्णय हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई जमीन नहीं ली। जब भी उनसे पूछा जाता कि आप जमीन क्यों नहीं ले रहे, तो वे बस विनम्रता से हाथ जोड़ लेते। 1988 में जब उनका निधन हुआ था, तो कई नेता श्रद्धांजलि देने उनके गांव गए। कर्पूरी जी के घर की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कितने ऊंचे पद पर रहे व्यक्ति का घर इतना साधारण कैसे हो सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज यानी कि 24 जनवरी को 100वीं जन्म जयंती है। 100वीं जन्म जयंती से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से जननायक का परिवार भी काफी खुश है। जैसे इसकी घोषणा हुई, पूरे परिवार ने मिठाई बांटी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद गांव में उनका परिवार एकजुट हुआ और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस तस्वीर में कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर की बेटी और उनके दामाद दिख रहे हैं। खुशी के मौके पर मिठाई खिलाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर आज जदयू के सांसद हैं। मोदी सरकार के इस फैसले पर उन्होंने भी खुशी जताई है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके गांव जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी गांव में उनकी प्रतिमाएं लगाई गई। इस तस्वीर में कर्पूरी ठाकुर के पिता गोकुल ठाकुर और उनकी माता फुलेश्वरी देवी भी हैं। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए टीएनबी। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टीएनबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।